इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के समय एक हादसा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से कई लोग जख्मी हो गए हैं, झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर में गर्भगृह में ये आग लगने की खबर मिली और उसके बाद बताया जा रहा है कि 13 लोग ऐसे जो इसमें झुलसे हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। भस्म आरती में हर दिन की तरह बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने जैसे पहुंचते हैं, आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद ये आग लगी और आग ने देखते ही देखते थोड़ा सा विकराल रूप भी यहां पर धारण कर लिया। महाकाल मंदिर में आग पर गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से बातचीत की है, ये बड़ी खबर है। अमित शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके जल्दी से ठीक होने की, स्वस्थ होने की कामना भी की है। यानी कि फोन कर सीएम से हालचाल भी जाना होगा। कोशिश यही है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। अमित शाह ने महाकाल मंदिर हादसे पर सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात कर जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, ये अमित शाह की तरफ से लिखा गया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आज प्रातः बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। मैं सुबह से ही प्रशासन के संपर्क में हूं, सब नियंत्रण में है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायल शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, ये सीएम ने ट्वीट किया।